कच्छ की बहुरंगी संस्कृति ने यदि गुजरात को सांस्कृतिक पहचान दी है तो कंडला मेजर पोर्ट ने इस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौवहन क्षेत्र में पहचान दी है। भारत में नौवहन की शुरुआत 4500 वर्ष पूर्व वर्तमान गुजरात में खंबात की खाड़ी स्थित लोथल से हुई। लोथल, भृगु कच्छ या वर्तमान भरूच तथा अन्य प्राचीन भारतीय बंदरगाह हजारों साल से समुद्री व्यापार के केंद्र रहे हैं। कच्छ के दूरदर्शी महाराव खेंगरजी तृतीय ने सन 1930 में कंडला के महत्व को पहचान कर यहाँ एक RCC जेटी का निर्माण करवाया। आदर्श भौगोलिक स्थिति और नहरों से सुरक्षा का पूरा फायदा उठाकर कंडला ने अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखा। During 2015-16, कंडला पोर्ट इन गुजरात ब्रिज्ड द 100 मिलियन ट्रैफिक लैंडमार्क एंड डिस्प्लेड 20% इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी। माननीय प्रधानमंत्री के स्वप्न सागरमाला परियोजना के जरिए बंदरगाह आधारित विकास की दिशा में कंडला तेजी से कदम बढ़ा रहा है। रेलवे और राजमार्गों का एक व्यापक नेटवर्क पोर्ट को उत्तर एवं पश्चिमी भारत के 10 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल हिंटरलैंड और औद्योगिक राज्यों से जोड़ता है। लगभग 3.5 किलोमीटर का सतत लंबाई में फैला प्लेटफॉर्म और इस पर कार्यरत 12 मल्टी कार्गो टर्मिनल और एक कंटेनर टर्मिनल इसको देश का उत्कृष्ट बंदरगाह बनाते हैं। लिक्विड कार्गो के नजरिए से कंडला देश का एक प्रमुख बंदरगाह है। एक लिक्विड हब के रूप में उभर रहे कंडला ने पिछले 3 वर्षों में लिक्विड स्टोरेज की क्षमता में करीब 14 लाख टन का इजाफा किया है, जिसकी वजह से आयातकों के लिए किफायती भंडारण सुनिश्चित हो सका है। ड्राई कार्गो जैसे कोयला, चीनी, कृषि उत्पाद, इमारती लकड़ी, नमक, उर्वरक, स्टील उत्पाद आदि के आयात और निर्यात के लिए यहां ओपन स्टोरेज की काफी बड़ी सुविधा है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है। पिछले वर्ष से वाहनों के आयात निर्यात के लिए रो-रो ऑपरेशंस ने कंडला बंदरगाह की क्षमताओं में बढ़ोतरी की है। पोर्ट में एक साथ 3000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है। कंडला पोर्ट वर्ष 2015-16 में 1000 लाख टन कार्गो आयात निर्यात की विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बंदरगाह बना। इतना ही नहीं, दक्षता के मानकों में पिछले 3 वर्षों में हुई रिकॉर्ड वृद्धि ने कंडला को प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अग्रणी रखा है। कंडला की कार्गो हैंडलिंग क्षमता को 2020 तक 1800 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है। कंडला पोर्ट के अंतर्गत वाडीनार टर्मिनल के SPM से इंडियन ऑयल की कोयली, पानीपत और मथुरा की रिफाइनरियों को वर्ष 1978 से ही कच्चा तेल भेजा जा रहा है। 32 मीटर के प्राकृतिक ड्राफ्ट और अत्याधुनिक SPM ने 3 लाख टन क्षमता वाले वेरी लार्ज क्रूड कैरियर से किफायती तेल आयात को संभव बनाया है। तूणा टेकरा के निकट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 145 लाख टन की क्षमता की 4 बर्थों के निर्माण द्वारा पोर्ट की कुल क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। 16 मीटर के ड्राफ्ट की वजह से तूणा टेकरा से केप साइज वेसल के माध्यम से आयात निर्यात किया जाना संभव हो सका है। वी पर्टिकुलरली वांट टू मॉडर्नाइज आवर पोर्ट्स एंड इंटीग्रेट देम विद स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, port-based smart cities, industrial parks, warehouses, logistic parks, cold storages, and transport corridors. I must mention that our vast coastline of 7,500 kilometers offers a huge investment opportunity. गुजरात राज्य के विकास द्वारा देश को समृद्ध बनाने में कंडला पोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। बंदरगाह आधारित विकास को मूर्त रूप देने के लिए कंडला देश का प्रथम स्मार्ट इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटी विकसित कर रहा है। 1430 एकड़ क्षेत्र में निर्मित होने वाले SIPC में 850 एकड़ में औद्योगिक इकाइयां विकसित होंगी, जहाँ पर्यावरण अनुकूल उद्योग स्थापित किए जाएंगे। 580 एकड़ का रिहायशी भाग बेहतरीन नागरिक सुविधाओं व आधुनिकतम तकनीक के इस्तेमाल से स्तरीय जीवन शैली सुनिश्चित करेगा। ये स्मार्ट सिटी मेक इन इंडिया तथा सागरमाला परियोजना को कामयाब करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
प्रधानमंत्री की बंदरगाह आधारित विकास की सागरमाला की अवधारणा को साकार करता हुआ कंडला पोर्ट विश्व के मैरिटाइम परिदृश्य पर भारत की गौरवशाली नौवहन परंपरा में नए आयाम प्रदान करता हुआ देश के आर्थिक विकास की पट्टिका पर नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है।